नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि इसे मैं कहूँ एक सम्मान समारोह है। सम्मान उस शख्स का जिसने हमें ये सिखाया है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना अहम है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये एक ऐसा जज है जिसने हर आम भारतीय को ये सिखाया है कि उसके भारत का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई परिक्षेत्र है वो क्षेत्र हमारा पर्यावरण है। आज हमारे बीच ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद हैं जिसने एक संस्था को न केवल चलना और दौड़ना सिखाया बल्कि पर्यावरण को ताक पर रखकर काम करने वालों के दिल में इस संस्था का खौफ भी जगाया। पर यह खौफ ऐसा नहीं था जिससे आप डर जाए, बल्कि ये खौफ उस चीज के लिए ज्यादा था कि जो आपके पास है उसको बचाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार की, जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के चेयरमैन के तौर पर अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले दिए हैं जिनको लेकर सरकारें और प्रशासन पसोपश में रहे और तमाम संबंधित पक्षों ने इन फैसलों को टलवाने की तमाम तिकड़में की, लेकिन जस्टिस स्वतंत्र कुमार चट्टान की तरह अपने फैसलों पर अडिग रहे और न केवल अडिग रहे बल्कि आदेशों के अनुपालन न करने पर अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया और दंडित करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली हाईकोर्ट में 1971 में वकालत शुरू करने वाले जस्टिस स्वतंत्र कुमार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जज रहे। वह बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं। लगभग 60% उनका कार्य कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ही गुजरा है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने NGT के चेयरमैन का पद संभाला और उसके बाद वो पूरी जो पूरा इतिहास है वो हम सबों के लिए वर्तमान है और हमारे आने वाले भविष्य के लिए वो धरोहर है जिसे हम संभाल कर रखना चाहेंगे। तो जैसे स्वतंत्र कुमार की एक छोटी सी व्यक्तित्व परिचय हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद उनका सम्मान करेंगे। देश में पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण से जुड़े मसलों पर पैनी नजर रखने और किसी भी गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने साल 2010 में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों की जिंदगी में उसके फैसलों ने तब असर डालना शुरू किया जब जस्टिस स्वतंत्र कुमार इसके अध्यक्ष बनाए गए। NGT के अध्यक्ष बनने से पहले जस्टिस स्वतंत्र कुमार सुप्रीम कोर्ट में जज रहे और रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ही दिन में 95 फैसले सुनाकर एक अनोखी मिसाल पेश कर चुके थे। भारत की आजादी के वर्ष यानी 1947 में जन्मे जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली में 1971 में वकालत की शुरुआत की। वो न्यायिक सेवा में भी रहे लेकिन इस्तीफा दे दिया। साल 1994 में वो दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने। वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी जज रहे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। उनके अहम फैसलों में दिल्ली NCR में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में खतरनाक नायलॉन और सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हिमाचल स्थित रोहतांग दर्रे में टैक्सियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के NGT के फैसले ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। यमुना डूब क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाने के फैसले को भला कौन भूल सकता है। NGT ने कचरा प्रबंधन में असफल रहने पर आनंद विहार, विवेक विहार, शाहदरा और शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। ये फैसला सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत था। NGT ने स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में ही गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उसके किनारों को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया था। इसके अलावा गंगा किनारे से 500 मीटर की दूरी में कचरे के निस्तारण पर भी रोक लगाते हुए 50,000 के आर्थिक दंड का भी उन्होंने प्रावधान किया था। NGT का चेयरमैन रहने के दौरान जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे देश में प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण की बेहतरी के लिए तमाम अहम फैसले सुनाए। सख्त फैसलों की वजह से NGT की केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक ऐसी संस्था के तौर पर छवि बनी जो पर्यावरण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की खामी या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करती। जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने
कोर्ट की एक आम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राहत दिलाने और आदेश का पालन करवाने की दिशा में भी काम किया। एनजीटी जब बना तो एक सिविल कोर्ट होने के नाते कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, खासतौर पर सरकार और प्राधिकरण। जस्टिस कुमार ने अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट निकालने शुरू कर दिए। अधिकारियों में गिरफ्तारी और सैलरी अटैचमेंट का डर साफ दिखने लगा। आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहचान उसकी संस्था से बनती है, लेकिन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने अपने फैसलों से संस्था यानी एनजीटी को पहचान दिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच हो तो जाहिर सी बात है, और जितना आपने काम देखा है वो काम बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा काम जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने किया है। और इसलिए शायद हर भारतीय के अंदर जो भी पर्यावरण से प्यार करता है, जो न्यायपालिका से प्यार करता है, उनके दिल में एक सम्मान है। उसी सम्मान का एक हम प्रतीक रूप में जस्टिस स्वतंत्र कुमार का सम्मान करना चाहेंगे। तो इस सम्मान के बाद अब एक हम विचार गोष्ठी यहाँ पर हमने आयोजित की है, जिसमें हम बात करेंगे जस्टिस स्वतंत्र कुमार से, उनके भी विचार जानेंगे। और कई हमारे सहयोगी पत्रकार यहाँ पर हैं और हमारे विभिन्न संस्थानों के भी पत्रकार यहाँ पर हैं, और जो उन बहुत सारे सवाल सबके मन में हैं सर आपसे जानने के लिए। मुझे ये जानना है, जितने फैसले मैंने आपसे सुने और देखा मैंने कि इतने सारे फैसले आपने दिए हैं, मैं जब पढ़ रही थी और लगातार आपको मैं फॉलो करती हूँ, मुझे जानना है कि आप वाकई हार्ड मांस के बने हैं या आप स्टील के बने हैं, इतने सख्त फैसले आप दे कैसे सकते हैं? ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है, ये फैसले मेरे लिहाज से तो किसी भी जज को देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने कोई विभिन्न काम नहीं किया है। I really believe that, I strongly believe that the nature does not need us. We need the nature. So to protect whatever is required to be done, we should endeavor to do it as a society, as a nation, as a part of the global family. So, but I don't think I've done any exceptional things. I've done what a judge should, ought and must do. तो किस जो आपके सर इतना बड़ा टेन्योर रहा है, किस दौर को आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है? Well, आपसे सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं एनजीटी में आया कि आई विल बी सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू सच ज्यूरिसडिक्शन, एंड आई रियली एंजॉयड माय एंटायर टेन्योर एज अ जज। आई स्पेंट 10 इयर्स इन पंजाब, 4 years in Delhi High Court, 3 years in Bombay High Court, more than 3 years in Supreme Court, and then 5 years in NGT. But if you see, the role in NGT has been very distinct. It was kind of a development of environmental jurisprudence in our country. The Supreme Court, the High Courts had passed various judgments right from Mehta's case, where the courts had shown, the path for environmental protection and went to any extent. If you see, they ordered directed demolitions, they directed, compensation awarding, and very serious orders were passed by the courts. But exclusively on the subject of environment, yes, NGT played a very guiding role. And I think I walked out of NGT with one sense of satisfaction, and that was that I was happy that there was public consciousness and public awareness about environment. I think that's the, if there is any credit to be given to the National Green Tribunal, I think that's the, primary achievement. जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते और जिस तरह से
इस तरह के बड़े व्यक्तित्व जब फैसले देते हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ता है आप जैसे वकीलों पर या तमाम उन लोगों पर जो स्वतंत्र कुमार? ऐसा है कि न्यायमूर्ति तो हर तरह के होते हैं, लेकिन स्वतंत्र कुमार जी का जो पीछे का बैकग्राउंड था और जिस तरह का इनका कामकाज था, लोगों ने कभी इन पर सवाल नहीं उठाया, इनकी मनसा पे सवाल किसी ने नहीं उठाया कि जो फैसला दे रहे हैं इसके पीछे कोई और बात हो सकती है। कई बार फैसले कड़े भी आते हैं और नरम भी आते हैं, लेकिन उन फैसलों के ऊपर लोग सोचते हैं शायद कोई और बात तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति हो उस पद के ऊपर तो उस पर सवाल नहीं उठता है कि आपके इस फैसले के पीछे की मनसा क्या है। और लोगों को मालूम था कि इस व्यक्ति ने इस संस्था का निर्माण करना है, तो इन्होंने उस संस्था को खड़ा किया, उसको जीवित किया, जागृत किया और उसको मजबूत किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं होती है। देखिए आप आज के माहौल में जबकि अब न्यायाधीशों के स्तर के बारे में बात की जाती है, कई बार लोग भारत के बड़े बड़े न्यायाधीशों पर सवाल उठा देते हैं, इनके जैसे व्यक्ति के ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं उठना इतने लंबे न्यायिक कार्यकाल में, और इसके बाद एनजीटी में इतने कड़े फैसले देने के बावजूद, जबकि सरकारों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी, सरकारें चाहती थीं कि ये इनके कई जो फैसले हैं वो शायद नहीं होते, बल्कि सरकार का बस चले आज तो वो ये कहे कि एनजीटी जैसी संस्था होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम ही कर लेंगे, संभाल लेंगे हम काम को। लेकिन ये संस्था होनी चाहिए, इसका महत्व स्थापित करने में भी स्वतंत्र कुमार जी की जिम्मेदारी है, तो कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शख्सियत ये थे, इसका ज्ञान हम लोगों को भी नहीं था जब तक कि इनके ये सारे फैसले जनता के सामने नहीं आए। और एक कम से कम एक क्षेत्र ऐसा भारतीय समाज का, इतिहास का, अपने भूगोल का और अपने वर्तमान का एक क्षेत्र को इन्होंने पकड़ लिया, पर्यावरण को, और उसको इन्होंने इतना बड़ा बनाया। और लोगों के जैसे कि अभी बात कर रहे थे सर ने बताया कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के बीच में यह कैरिकुलम में आ गया, ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं आजकल बच्चों को, और एक ज्ञान क्या का माहौल आ गया है इसके अंदर कि लोग जानते हैं कि अगर हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, इस हिस्से को नुकसान पहुंचाया, तो हमारे ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और इनका जो आप लोगों ने सम्मान किया है इसके लिए मैं भी सम्मानित महसूस कर रहा हूं, और इसके लिए मैं आप लोगों को भी सम्मानित करता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है ऐसी शख्सियत को सम्मानित करना, क्योंकि ये करना चाहिए आप लोगों को। सर अब जब बात हो रही थी कि प्रेशर, दबाव की, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे फैसले आए होंगे जिस पर आपको बहुत दबाव महसूस हुआ होगा, फिर भी आप कैसे उन सब के बीच से रास्ता बना पाए, कैसे निकल पाए, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? ऐसा आई डोंट रिमेम्बर दैट आई फेल्ट एनी प्रेशर्स। सी बाय द टाइम आई केम टू एनजीटी आई ऑलरेडी हैड मोर देन 20 इयर्स ऑफ यू नो जजशिप विद मी, so I never felt a pressure. I stood by my conscience and what the law demanded, and I didn't care who thinks what. I still believe that should be the approach. ये formula होगा आपका किसी भी judge के लिए, आप अपना काम करें, अपना कर्तव्य करें। मेरे ख्याल से तो एक यही सूत्र है जिससे कि you know judge अपना ठीक तरह से चल सकता है, क्योंकि how can you bother about what people will think, what you know people want, what parties want? You know, there were now lobbies and lobbies and lobbies before NGT, whether it was a builder lobby, whether it was a mining lobby, whether it was a forest lobby, whether it was you know development lobbies or people on the destroying the wetlands, you know, protected lands on the sea. So they all were there. So you knew that they are people with strength. So, and I think it is the duty of a judge to withstand the strength which is comes. So I found it no difficult. बिल्कुल, जो स्वतंत्र कुमार जी ने सिखाया कि अपनी ताकत के साथ खड़े रहो, बाकी सब चीजें आपको खुद ब खुद फॉलो करेंगे। पटवार साहब आपका सवाल। I'll follow this up with a general question कि जो आपने what you've talked about is judicial aapne jo swadhinta ki pradarshani ki wo sabke samne ek udharan ban chuka hai is desh mein aur aajkal aap jante hain ki jahan bhi aap paper dekhe kahin bhi dekhe judiciary ke bare mein kehte hain ki is waqt mahol negative hai aur aapne apne jo colleagues the ek chief hone ke nate उनको प्रेरित किया है, वो मैं जानता हूँ, उनसे बात भी हुई, जो रिटायर भी हो चुके हैं, कि आपकी इन्फ्लुएंस उन पर कितनी थी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे टुक, आपसे हौसला लिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चीफ जस्टिस हो और चीफ ऑफ एनी हाई कोर्ट,
उनका कर्तव्य क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ से थियोरेटिकली दैट वी आर गोइंग थ्रू अनदर डार्क पीरियड फॉर आवर जुडिशरी. एंड जस्ट वन रीसेंट कोट आई हैड फ्रॉम अ वेरी वेरी सीनियर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हु रिपीटेडली एम्फसाइज्ड द नीड फॉर द जुडिशरी टू रिगेन द स्पिरिट ऑफ कोलेजियलिटी, फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड सेट असाइड एनी डिफरेंसेस बिटवीन जजेस सो दैट सुप्रीम कोर्ट शुड मूव फॉरवर्ड. For this to happen, however, and this is the point I'm trying to make, he warned that the CJI has to take the lead. I have always felt that the independence of the judiciary is non-negotiable, and it is for the Chief Justice, who is the leader of the court, to take that forward. He has to show his statesmanship qualities. He must take his brothers and sisters forward. Now, without obviously not naming any names or casting any aspersions, I want you to comment on this. एक अध्यात्मिक रूप पे आप इस पर टिप्पणी कीजिए. दीज आर वेरी पर्सनल ओपिनियंस. आई डोंट थिंक यू कैन जनरलाइज एनीथिंग. बट यस, अ चीफ जस्टिस नॉर्मली वुड एंश्योर दैट द कोर्ट सॉर्ट ऑफ ऑल द जजेस कम विद हिम एंड दे रिप्रेजेंट अ इंस्टीट्यूशन. सो आई For example, I was Chief Justice of Bombay High Court. I found no difficulty and I was able to run that court very healthily, and I was able to do a lot of infrastructural work, judicial dispensation increased, and all the judges, they deserved compliment. So I think these are personal opinions. I would not like to say anything more than that. NGT के लिए अगर बात करें सर, तो NGT के चेयरमैन के तौर पे आपने बहुत कुछ किया. क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको करने की ज़रूरत थी जो अभी नहीं हो पाई थी? कौन से ऐसे मुख्य आपको लगता है कि जॉनर थे, कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, इधर गवर्नमेंट और एनजीटी के थ्रू हम देखें तो? मैं जस्ट ऐड टू दैट सर, आई एम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन अनदर वे. व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन? वेल, इफ यू रियली आस्क मी, आई नेवर फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई थॉट दैट by and large we were able to get our orders executed. Secondly, the cases that came up before the tribunal during my tenure, not only before my court, before the entire benches all over the country, the five benches we had, all of them dealt with very very so called serious and controversial cases, but they were able to make a very good headway. So they got results out of this, and what gives me another satisfaction is that NGT was known equally abroad than in India. You know, I think wherever I went for conferences, people knew the NGT judgments. They called them, you know, I still remember the remark of director of the UNIP, Elizabeth Mirma. She had come on an international conference. So she said that after having the world's view on environment jurisprudence, she thinks that the National Green Tribunal of India was the lead environmental tribunal in the world. So I think we were able to earn not only mere goodwill of people, but I think we were able to earn jurisprudential value of environment. So that was I think a great contribution by the tribunal. See, execution is an ever known problem all over the world. It's not confined to India. Even if you go abroad, you will know that environmental field, the execution is not easy anywhere, because people do find normally a conflict, which they call as a conflict between development and protection of environment. So I think it's a very fair kind of but I never found any difficulty. Sir, I would like to ask you that, yeah, what is the reason, what do you think that why most of the positions in NGT, many are benches and even in the National Green Tribunal chairman's post, why it is vacant, sir? What may be the reason? You are asking the wrong person the wrong question. I would not know, because today there is a appointment is made by the whole process, so which multiple institutions are involved. So I'm not keeping any information as to what is happening. Is this do you think the result is on overall
decline in quality of leadership in all aspects of Indian life, whether it be journalism or the judiciary or the bureaucracy or the law and order machinery? Do you see that happening? Do you worry about that? Yeah, that's a matter of little concern, because if you see that people complained everything, so whether it is NGT, whether it is courts, whether it is politics, whether it is even media, even anybody for that matter, people are having kind of questions. So that itself shows that our social fabric is getting affected. And every institution emerged from the common social fabric. So, hope for the best. बिल्कुल, लेकिन सर जैसे आपके जैसे जस्टिसेस अगर हैं तो उम्मीद भी कायम है, और शायद हर क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं. खासकर मुझे आपका वो रिकॉर्ड याद आता है जब आपने एक ही दिन में 95 फैसले सुनाए थे, और वो अनूठा रिकॉर्ड था. क्या आपको लगता है कि बाकी जजों को भी, जितने लोग हैं, जिस तरह से हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, ज़रूरी है कि हम फैसलों की संख्या बढ़ाएं, जो मामले हैं वो ज़्यादा लंबित नहीं करें? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं मैकेनिज्म को चेंज करने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशनल मैकेनिज्म को, खासकर फैसले सुनाने के तरीके में? आई थिंक, I frankly feel all judges try their best to do disposal. Sir. For example, in our lower judiciaries, there is a system for disposal. Their career depends on disposal. Even all the high court judges, supreme court judges, they believe in very, high disposal. But then there are other problems. You have the load of litigation in our country is immense. It's probably the highest in the world. So, judge case ratio is frustrated. One judge can handle 1,200 cases, there are 6,000 cases, 10,000 cases. So we need to have an overall view, improving everything, the infrastructure, the judge strength, the litigant ratio, then, and provide better qualities to facilities, and I'm sure things can improve. But there is a basic element of, I think all concerned agencies mean good. I'm sure the government also wants to improve the strength, and they want to see that the justice system reaches the poorest. The judiciary wants to do it, lawyers want expeditious disposal. So it's a collective effort. So I think they are walking towards the right direction. जैसे स्वतंत्र कुमार ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की कि किस तरह से हम चीजों को और सुधार सकते हैं, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल है, इसके बाद मैं अपने कोलिग्स के पास भी जाऊंगी. जैसे स्वतंत्र कुमार, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आमतौर पर जब भी पर्यावरण की कोई समस्या आती है तो हमने एक आदत से बना ली है कि हम सरकार पर छोड़ देते हैं. यदि अदालत ने फैसला नहीं दिया तो हम ये कहते हैं कि सरकार की गलती है, सरकार ने ऐसा कर दिया. ऐसा नहीं लगता है कि अब जरूरी है कि आम आदमी भी जागरूक हो? जैसे आपने एक अच्छा उदाहरण दिया कि अब बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, वैसे कॉमन मैन को भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की, ज्यादा समझने की, अपने पर्यावरण के महत्व को समझने की जरूरत है. इसके लिए भी क्या कुछ आपको लगता है कि अदालत की तरफ से ही आना चाहिए, या फिर ये एक ऐसा पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है इसके लिए? What I feel is that environment is a social subject. Sir. So society has to react as a whole. Neither the courts can do anything, government can't do anything, people can't do anything, and the regulatory authorities can't do anything unless and until there is a collective effort. Everybody has to say, yes, I want clean air, I want clean water. Nothing wrong in it, this is your right. So even if the court gives the judgment, there should be proper execution. If proper execution means people must cooperate. Now if you want the people should not throw plastic on the road, people have to cooperate. If you don't want them to throw garbage on the roads, you have to cooperate. The local authorities, the government has limitations. So, but the government at the same time should not shift responsibility. They must do their bit, expect the public at large to do it, and these matters should reach the courts the last. It should be more of a moral or a social responsibility. See, our constitution says that under the constitutional duties of the citizens, it says that to provide and protect the environment, clean your environment and natural resources, your constitutional duty for the citizen.
The government, it says directive principles. The Supreme Court extended Article 21 to say that right to decent and clean environment is a fundamental right. What more can you have in a country as far as law is concerned? Now, therefore, it is a collective effort. GT, if you go back in time and see when it came into existence, was at a time when the narrative socially, politically, was of development versus environment conservation. Once the NGT began functioning, the verdicts start coming in, there seemed to be a rethink in the government on whether it's given too many powers to the NGT. And then onwards, whether it was the Subramanian Committee report or later actions of the current government that came in, seem to be to weaken the NGT in some way, take away certain powers, not appoint people. How do you see this thing? Whether no, see, as far as of today, I don't think government has done anything to weaken NGT. I don't know what is the plan's future. I have no information. But as far as the NGT is concerned, it is for NGT to exercise its powers. You know, there were questions during my tenure whether contempt can lie or not, whether we have suo motu jurisdiction or not, whether at all we can test the subordinate legislations or not. So these were the few questions, you know, on which we reacted. We held, maybe that's a correct law or incorrect law, that is for the Honorable Supreme Court to examine. But I don't think as of today the NGT has been weakened in any form. It is for the honorable members to, and the chairman of the NGT, to go ahead with the work. And I don't think that, you know, it's primarily, see, the one of the unique legislations of our country by the Indian Parliament is the National Green Tribunal. You know, it's the only tribunal of its kind in the world. And so you have Australia, New Zealand environmental courts, which have very restricted jurisdiction. You know, they have more of regulatory functions to perform. But in the 2010 Act of the National Green Tribunal, it's a, I think, as wide as it could be. You know, if you read the definition of the word environment, so it does not only talk of water, air and other things, it talks interrelation between human beings and plants, living creatures, anything, you know, is an environment. So what more do you want? I'll just add another thing, yes, a question to it, just a supplementary. Mm-hmm. When it comes to orders delivered by the NGT, very often we see that, you know, the orders themselves are very strident, very strong, but then the implementation, at the implementation level, there doesn't seem to be as much of seriousness, especially like a case in point was the Art of Living, you know, the function that they had on the Yamuna River bank. And to the extent that the spiritual guru involved went ahead and said that we are not going to pay the fine, we don't care. Now, how do you deal with that situation when the NGT as a tribunal does not have powers of contempt, does not have other powers to ensure that these orders are complied with? No, I have a little difference of opinion with your comment. See, even in that case, if you remember, they paid the fine. It was not that they didn't. Of course, a person is not entitled to his views, and so you can't say that. But they did pay the fine. Compensation that was given, and that was again subject to further calculations by the authorities concerned. But to be little on the lighter side, what I have heard, you know, journal view is that in the public authorities department or in the government, so it was, if any officer would in the end of the day ask, okay, any file pending, so they will say, okay, yes, NGT ordered, they say, give it first to me. So attitude was to comply. एक और जो अहम मसला होता है, जो एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है. आपने कितने अधिकारियों को फटकार लगाई, डांट लगाई, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है.
क्या इसको भी कुछ चेंज करने के लिए क्या हमें आपको ये लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए, या फिर जब हम एनजीटी की तरफ से या अदालतों की तरफ से फैसला आ रहा है तो इसमें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए, इन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए, इनको क्यों नहीं सजा दी जाए ताकि एग्जीक्यूशन तो हो सके, कहीं ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं होता है केसेस में. इवन एनजीटी ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि यू नो द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी हेल्ड अगेंस्ट द अरिंग ऑफिसर्स एंड दे आर हेल्ड. आई इवन गॉट रिपोर्ट्स बैक दैट यस वी हैव स्टॉप्ड देयर इंक्रीमेंट और वी हैव डन सम काइंड ऑफ अ प्युनिटिव एक्शन. सो यू नो दीज वी आर अ मैसिव कंट्री, सो इट्स नॉट दैट यू कैन सेट राइट थिंग्स ओवरनाइट. इट विल टेक सम टाइम, बट again I just would say one thing, it has to be a collective effort. That I would underline that for anything. Shubha ji, aapka sawal. Yeah, you have given many strident judgments and imposed fines on governments and corporations. Now, have you seen the change in their attitude, in their concern for the environment over the years? Yes. Or is it still the same because it's probably I won't say that. As I told you that there is a definite variation, if I will not use the word change because that may connote a very total alteration, but there is a definite variation in the attitude that people think. And now people realize, as I told you, once you are aware that you have to do something for the environment because it is your subject, it's not somebody else is going to gain out of it. So therefore people are I wouldn't say that they are shutting their eyes and ears to environment, no. Now if you see there are even your the whole programs day in and day out, the television, the paper, and I was telling her, in fact, and telling all of them, media also played a very positive role when NGT was trying to come up, with all their if and buts, they did project environment as a concern of common people. So I think that was a good compliment to them. Sir, but don't you think there should be a follow-up to Shobha's question? What sort of yardsticks do you use in terms of, see, basically what you're talking about, and I think that's extremely important, is the raising of consciousness. Yeah. It's only the raising of consciousness that will bring about this public mass participation, which is critical to improving the environment. I mean, that's philosophically your stand, and you can only be a catalyst in terms of achieving that. But if you look at yardsticks or parameters in terms of NGT having been in operation, and the actual levels of whether it's cleaning up the Ganga or the Jamuna or Delhi becoming the most polluted city in the world, surely that must give you pause to think that despite us and despite our orders and despite the fact that NGT has got it seriously is in the eyes of most people who look at you and the work you've done, NGT is a sacred cow. And despite that, despite it being regarded as a sacred cow, perhaps holier than most of other parts of the judiciary, and I don't say this with any value judgment, and it's a statement of fact, but yet, what are the yardsticks by which you can measure the actual improvements? No, see, it's not this. I think that if you recollect, there was a time when the PM10 has touched 1200 in Delhi, and PM2.5 was touching up something like 600. That's the time when we passed a lot of restrictive orders, like regulation of brick kilns, dust, no construction, this, that and the other. Now, there were reports not only from the Delhi Pollution Control Committee or the Central Pollution Control Board, but even from the applicants, because today analysis of air is not a very big subject. The values had come down very seriously. So they were. So it was not that. Now suddenly, see, you cannot reduce vehicles, you cannot stop construction for all times to come. So you have to draw a balance. That is why we classified it, okay, you should have normal measures, then you should have higher scale measures, and then you should have emergent measures.
Now, emergent measures will be drastic. They will not be ordinary. So, it was good. What is your personal view on the odd-even rule which was implemented? Was it too drastic or? I frankly mentioned it to the Delhi government in open court. I said, odd and even is no solution, because I think there were two main things on which we didn't find good reason for it. One was that if you are going to permit two-wheelers, you know, Delhi has more than 60 lakh, NCT Delhi has two-wheelers, and they, two-stroke engines were using oil and petrol both, so that means they were generating much more pollution than, you know, any number of cars. So if you are going to permit them to be on the road, and you will permit the taxis to be on road, you will permit the buses to be on road, which are diesel operated, then what's the idea? So you will not do anything else. So that's a self-contained judgment, and I think if it is implemented in its sole propriety, then answers will be there. They are not unmanageable. Petrol or diesel wala jo aapka faisla tha, sir, us par Neeraj ji ke paas ek sawal tha. Neeraj ji, aap. Haan, bataiye. निश्चित रूप से मेरा सवाल ये है कि जो एनजीटी ने फैसला दिया था कि 15 साल से पुरानी डीजल टैक्सीज बंद कर दी जाएं दिल्ली एनसीआर में, और सॉरी 10 साल से पुरानी टैक्सीज बंद कर दी जाएं डीजल वाली, और 15 साल पेट्रोल गाड़ियां बंद कर दी जाएं, ये फैसला बहुत अच्छा था एक, लेकिन इससे एक दूसरी समस्या उत्पन्न होने के चांसेस थे कि जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं अगर वो किसी दूसरे शहर में जाएंगी तो वहाँ पॉल्यूशन फैलाएंगी, एक चीज़। दूसरी चीज ये कि अगर उनको यहीं खत्म किया जाएगा तो जो उन गाड़ियों का जो कचरा इकट्ठा होगा वो कैसे निपटाया जाएगा? आपने बहुत अच्छा किया जो ये सवाल पूछा मेरे से। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि जजमेंट में है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने कहा था कि जो कारें यहाँ से बाहर जाएंगी, जिस जगह पर तुम अलाउ करोगे वो नोटिफाइड होंगी, वहाँ का तुम एयर क्वालिटी एनालिसिस करोगे, वहाँ पे कारों की डेंसिटी का चेक करोगे, जहाँ पे दोनों चीज़ें परमिट करती हैं वहाँ पे सिर्फ वो व्हीकल बेची जा सकती है, बाकी जगह नहीं। दूसरी बात आई कि जो आप कंडेम करेंगे कार्स या जो आप यहाँ पे करेंगे उसका क्या होगा? अब कंडेमनेशन के लिए ये मिनिस्ट्री का भी व्यू था विच वी एक्सेप्टेड, दैट यू विल प्रोवाइड इंसेंटिव टू पीपल फर्स्ट, यू नो, लाइक person who condemns his old car must get benefit for buying a new car, registration concession, road tax concession, all these concessions should be provided to him so that there is an incentive for him. Rather, you should give him money for scrapping a car. Now, therefore, the question arises, what will happen to the scrap? Now, scrap, we had said that it will be recycled all through by the main industry, because see, the car steel which is used for manufacture of car is not a third rate steel, it's a very high content iron, so you can recycle it, so why should you spoil it? Glass you can recycle, you can recycle rubber, you can recycle the steel, so you should have a recycling plants, you know, there is a proper, you know, I don't think there is any developed country in the world which does not have scrapping system in place. You know, they operated very successfully. So why can't we do it? Then we can certainly do it. It was a that's why I told you that there are most of the orders which compositely provide. Now see, you can't anticipate and provide solution to everything and anything under the sun. But it has to be a reasonable analysis. So the judgments which reasonably provide for it, you should carry them out in entirety. For example, in, you know, this odd and even business, we had said, why don't you start destination buses? Now, by destination buses being meant, you have colonies like Dwarka, you have colony like Janakpuri, you have colony like, you know, Rohini, which are dominated by office-going people, you know. And surely driving in Delhi is not a very great pleasure these days. You know, it takes you, where it used to take you 10 minutes, now it takes you 2 hours. And bumper to bumper, 70% of the day you are bumper to bumper. So we said, why don't you start destination buses, which will start from a given sector or a given point in these colonies, straight away come to Shastri Bhavan, Connaught Place, non-stop, and there should be AC.
we thought, and doesn't seem to be, I have not been able to drive any logic to the contrary, even after consulting experts, that if those people, instead of driving for 2 hours, can sit down in an air-conditioned bus and go to sleep and then wake up at their office point, they save money, no risks to life, no petrol consumption, economically viable, I think people will accept it and accept it quite happily. And surprisingly, all these chartered buses make money. So why should government make money out of that? Tamas sir, aapka sawal sir. Sir, I have two questions. One is, I think it's a report, UN report or something of that sort, you know, which says 14 of the 15 worst polluted cities in the world are in India. Yeah. And 13 of those 14 cities are in this part of the country. So what is the message that, is there a message? Message is obvious that we are seriously... And the second one is, yes, something that you said earlier about, yes, environmental activism. Yes. We as Indians, and India as a country, we are no less than anybody else as far as environmental activism is concerned. I think we are up there in front. Correct. And, but at the same time, environmental degradation continues to be the worst in India. So how do you explain that? I'll begin with what I've said 3 times already, that it's a collective effort and a collective concern. If you will not have social awareness about it, nobody can make you succeed in environmental protection and environmental conservation. As far as our awareness is concerned, you're very right that our heritage is so very rich. You know, we are the people who worship rivers, we are the people who worship trees. You know, I do not know if you are aware, and I'm very happy to inform you that, Meenakshi Temple in Chennai, you know, I didn't know, I've been there a number of times, but three places some good gentleman took me to that, and he told me that, do you know that there is chakras made here in this temple? Have you seen them? I said, no. So he said, come, I'll show you. So he took me and he showed me, you know, there were Bhugola Chakra and Ritu Chakra there, which were made 700 years back. And they talk of ozone layer, they talk of 3 levels above sea, 3 levels below sea. How will you protect each one of them, and how will you ensure that there is no discharge of green gases? So that is our heritage. I think India can teach the world how to protect environment. But it is where I find lacking is our country as a whole. You know, whether you blame one person or the other, doesn't serve the purpose. But if we try concertedly together, I don't think that we don't have solutions, or we don't have brains, I think. I don't think that the air quality cannot be improved. I'm not a pessimistic to that extent. I definitely feel if you take all the measures, protect it, you can certainly improve the quality. You may not bring it to the, you know, those so-called below 60, below 12. That's possible. That I don't dispute. But to improve the air quality, I see no doubt. We can so do one, it one follow-up to this, I think he raised an extremely important issue, and you responded to it with great aplomb. But one example. See, the CEC, and then of course the NGT, one of its most notable successes, you know, which has been trumpeted worldwide, even in World Bank reports and United Nations, is your saving of the Aravallis from mining. And there's no question about that, there are no two questions about this. And preventing the desertification of Delhi, which it was NGT that took the lead along with various PIs, which showed the massive impact it would have on Delhi and the north. But that seems to be getting a setback now. Your greatest success, which is the saving of the Aravallis, now that seems to be weakened through denotification and the allowing of great amount of deforestation. That should be a greater, that keep you awake at night? Your greatest success is possibly being eroded in your own lifetime? On Aravalli Hills, it's not only the tribunal. In fact, much before the tribunal, it was the Punjab High Court,
we dealt with Arabali and put restrictions, and the PPL theory, that was referred to and interpreted by the, then Supreme Court has passed orders on it, then tribunal has passed order on it. Now see, the Arabali Hills must be protected. There is, I don't think there is any, but you know, there is so much of work already there, like, you know, the hotel, the building, everything is in Arabali Hills, you know. So it's merely, you know, I do not know, because it is for the governments of Haryana or the other concerned governments to decide what is their most. See, the, I would only think, when we, in terminology of environmental jurisprudence, we talk of sustainable development. Correct. So they should truly apply sustainable development. That's all I'm concerned with. That you must take precautions if you think that things are good. For example, it may be difficult to demolish the whole things all over again. You may generate so much of CND waste which you can't handle even. Quite possible. So you must then take what you call remedial and correction methodology must be adopted. You know, you may regularize certain things, but protect the environment. जिस तरह से हम विकास की बात करते हैं, जितने भी political आप speeches देख लीजिए, कोई भी सरकार बनती है विकास के नाम पर आजकल बनती है, और भी मसले हैं, लेकिन विकास मुख्य मसला है. एक तरफ विकास और एक तरफ पर्यावरण, ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है. जो हम ख्वाब देख रहे हैं, न्यूयॉर्क और बनारस को, काशी को क्योटो बनाने का ख्वाब हम देखते हैं, दूसरी तरफ आप कैसे समझते हैं कि हम गंगा को भी बचा लेंगे, हम पर्यावरण को भी बचा लेंगे? देखिए जी, एज फॉर एज यू नो सेविंग एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा इज कंसर्न, आई डोंट थिंक इट्स अ ड्रीम. आई थिंक इट्स अ परफेक्टली अचीवेबल, साइंटिफिकली प्रूव्ड goal which can be done. The judgment of the tribunal is self-contained. It tells you how much is the discharge, how much is the industrial discharge, how many drains are there, how many STPs you should put, what are their capacities. You know, it's just, I think it's a self-contained document for the government to execute. So if the state governments and the ministry thinks proper, they can certainly clean Ganga. There is nothing which cannot be done. Yes, you will have to take certain hard steps, you know. Mm-hmm. You will have to challenge the tannery industry, the sugar industry, the textile industry, that either you become compliant or you be shut. That stand, of course, you will have to take. So you can't tell people, you know, that you keep on discharging whatever you want to and we'll keep on cleaning it, because you can't do that. यानी वोट और कानून एक साथ नहीं चल सकते. That's right. सुजीत जी, आपका सवाल. This is about the river linking projects that the government is thinking about. It's an old project. They are rejuvenating it. They want to link a lot of rivers, and there is a scientific opinion that this will lead to ecological degradation and disaster. What is your idea about this? Should it be carried out, river linking, and should rivers be nationalized, as they call it? Well, as far as I am concerned, I think there is a judgment of the Supreme Court permitting interlinking of rivers, and that was done after I think at least three different very highly placed technocrats and academician from the field of hydrology and other connected sciences, that it was permitted, because there were the consistent three reports which said that interlinking is one of the major steps that can be taken to prevent droughts on the one hand and the floods on the other. So it may have certain ecological or environmental impacts. I won't dispute that fact. But if this is scientifically shown and is proved that there again a balance can be driven, because you know, you do anything, there will be a damage. So there is no precedent to it except for something that happened in China, yeah, in the early 1300s. So mm-hmm. There is no precedent about it in any part of the world. No, you may be perfectly right. As I said, that they should, despite a judgment, despite a view, I think there should be a proper study. If your apprehension is of substance, I think they should take all precautions that is possible. But
More than that there is a judgment, I don't think I can comment more than that. Sir, if we talk about your tenure, खासकर हिमाचल प्रदेश में जो अवैध निर्माण हुआ था और उसको जो गिराने का काम हुआ था, बहुत चर्चित हुआ आपके tenure में भी. एक तो आप उसको कैसे देखते हैं, और जब अवैध निर्माण की बात चले तो इस वक्त दिल्ली सीलिंग से परेशान है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि इसे करना है, कितना प्रैक्टिकल हो पाता है अचानक से इस तरह के फैसले देना? जाहिर सी बात है कि ये अच्छाई के लिए है, शहर के भलाई के लिए है, लेकिन बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी तो डील करना कहीं ना कहीं अदालत की ही जिम्मेदारी बनती है. यू आर राइट, बट टू सम एक्सटेंट. सी नाउ, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. यू सीन द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड यस्टरडे इन कसौली, where a government officer, and this is what I was going to answer you, that you know, execution is their concern, you know. So she's a lady officer, and she went to cause the demolition and lost her life. Now what I am telling you is, now in Kasauli there was a person who was given permission to construct 3-room guest house, okay? All right, it should be permitted. You can't have a kind of total no construction zone all over. You have to. So fair enough, you give him permission. The gentleman raises a 5-storied hotel in that permission. He has no system for disposal of municipal solid waste, sewage that is going to be generated. He has some 100-odd rooms constructed there. No management, no pollution devices, no source of water. I think see, you know that, you know, Kasauli today is water starved, which is shocking. You know, Kasauli was never known for water shortage, you know. So today, now if you are asking demolition of that particular, you know, unauthorized construction, I don't think, you know, law should worry about it, because if you will not check it now, it has 3 repercussions. One is, people will take law for granted, that you can just violate it and get away with it. Second, the damage you will do to the nature and natural resources will be irreparable. Yeah. You know, it will not, it can't be corrected, right? Thirdly, that you are risking the life of others, because you don't know these are eco-sensitive, you know, very high seismic zone. Himalaya is a very sensitive zone. Now tomorrow there may be earthquake, and you may come down with other, you know, kill other people who have nothing to do with it. There has to. So this is not where you should worry about. Okay, you know, his poor argument raised before the court actually is, I have invested all my life earning into it. So if you have invested in violating the law, then you better face the consequences. So if you would have obeyed the law, respected the laws of the country, then of course the court must be very cautious. लेकिन इस तरह के जो भी सर केसेस आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम में इनको सुन लिया जाए, इनका ट्रायल हो जाए, इन्हें जल्दी से जल्दी डिसीजन दिया जाए. इसकी कोई इसका कोई मैकेनिज्म आप देखते हैं कि आप बनाने की ज़रूरत है एनजीटी में, चाहे किसी भी ट्राइबल में? एनजीटी का सवाल है. आई रिमेम्बर दैट वी मेड इट श्योर दैट 83% केसेस वर डिसाइडेड विद इन 1 ईयर ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन. That was a very high, I think, deserving rate of disposal, because see, there are some cases you can't dispose of in 1 year because the parties delay, there are very huge inquiries to be made, you appoint a committee which report you want, so they take time. So you know, there are complex cases. Normal cases, for example, these Kasauli cases were decided in 6 months. Yeah. So that was the time of Justice Swatantra Kumar. Now the time has changed. It was tribunal. People say that in that tribunal now most of the matters are getting adjourned. So I don't think that's correct, because see, don't forget that there are few members, they are trying to work their best. लेकिन इसमें कोई शक नहीं सर कि जब आप बैठते थे कोर्ट में एनजीटी में, तो हम मीडिया वालों को इस बात का अश्योरेंस हो जाता था कि एक अच्छी हेडलाइन हमें मिल जाएगी, और हमारी तैयारी उसी हिसाब से चलती थी, और उसकी रिपोर्टिंग भी अच्छी होती थी. लेकिन बीइंग अ एडवोकेट, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी प्रदीप जी आप लोगों से, कि जब आप लोग सर के कोर्ट पर जाते थे तो किस तरह की तैयारी आप लोग को करनी पड़ती थी? ये एक बेंच के दूसरे साइड की कहानी भी होगी.
देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सर के साथ, अगर मैं तो 3-4 बार ही गया एनजीटी में सर के सामने, और जो भी मैटर्स पे पढ़ के तो जाना ही है, बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि सर पढ़ के आते थे. तो अगर ये पढ़ के आ रहे हैं और आप भी ना पढ़े जाएं तो वो तो ठीक नहीं है. और उसके बाद भी कई बार अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे, जो कि आपका केस तो अच्छा है मगर आपके आर्गूमेंट्स ठीक नहीं है, तो उसके लिए सर कभी बाधा नहीं बने. ही ऑलवेज यूज टू करेक्ट दैट एंड ही वॉन्टेड टू गिव रिलीफ इफ इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली आर्गूमेंट. और उन्होंने क्रिएट कर दिया, इन्होंने बताया कि आपकी ये बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन आप साथ साथ ये चीज़ें आप रख लो उसके अंदर. तो इन्होंने अपने तरह से, अगर आपने कहीं कोई गलती कर दी तो उसको अगर पर्यावरण के रास्ते में नहीं आने दिया, इन्होंने उसके फैसले को दिया. और बाकी मेहनत तो करना ही पड़ता था, क्योंकि आप एक ऐसे जज के सामने जा रहे हैं जो कि इतने दिनों से अनुभव रहा है उनका, और अनुभव भी ऐसा वैसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में कई जजेज हैं जिन्होंने केवल 10 फैसले दिए अपने 3-4 साल के टेन्योर में. कई जज जिन्होंने फैसले देने से परहेज करते रहे, लोगों ने लिखवाया उनको पकड़ पकड़ के, तो उस तरह के तो आप थे नहीं. तो आपको जब मालूम है कि ऐसा जज एक ट्रिब्यूनल को हेड कर रहा है तो वहाँ पर आपको पढ़ के जाना है. लेकिन एक उससे भी बड़ी बात ये थी कि आपके सामने जाने के बाद अगर आपने एक आर्गूमेंट में कहीं कोई वीकनेस है लेकिन आपका जो प्रेयर है वो ठीक है, तो सर ने उसको बाधा नहीं बनने दिया. ऐसा कोई सर फैसला जिसको लेकर आपको वाकई बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि ये मैंने दिया है और ये मुझे देना चाहिए था, एनी डिसीजन विच यू रिमेंबर? आई थिंक इफ आई वुड कंसिडर इट एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द लीगल टर्म्स, आई वुड गिव प्रेफरेंस टू यमुना एंड गंगा. दे आर द टू or the matters connected there too. For example, this one, this river rafting, and the other one connected with Ganga. That was again a very, you know, satisfying judgment. Because Rishikesh, wasn't it? Hanji, Rishikesh. Yeah, I remember Rishikesh, that's right. Because, see, there you have served a cause. You know, you have, see, we worship Ganga ji, but if we are not able to maintain it, and I'm telling you today again as a very ordinary citizen of our country that it is a resolvable issue. It's not something very fantasyful that Ganga can't be clean. No, I strongly believe that Ganga can be cleaned and it must be cleaned. He was referring to the question of 13 most polluted cities of India, which falls under this area, but I am also surprised that Varanasi is also one of them, yes, which is the constituency of our Honorable Prime Minister, that falls under this kind of pollution and this kind of environmental threat. But we have to be careful, there is no doubt about it. Air, we must concentrate a lot on air and water, because see, water, frankly, what one hears today is that Bangalore may be adversely affected, which is a practically a city of lakes. It may have Bangalore used, they used to call it the garden city. Garden city. It's anything but a garden now. No, yeah. Sir, lake caught on fire somewhere, didn't it? Yeah, is it Bangalore? Right? Yeah, it's Bangalore. Yeah. Bangalore. Again, there is a judgment. So, wait. So, इन सारे जो जज सर, इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने मेंशन भी किया कि जजमेंट में पूरी बात लिखी रहती है, उसको ज़रूरी है उसको समझा जाए और उसको उसी रूप में एग्जीक्यूट किया जाए. सरकारें इससे भागती रहती हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता देती हैं, जाहिर सी बात है कि उसके पूछे वोट की सियासत है. लेकिन फिर भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि एक मैसेज यदि आपको देना हो लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति, चाहे आम भारतीय हो या फिर मीडिया के लोग हों या कोई भी तंत्र के लोग हों, किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? जस्ट वन लाइन विच आई स्टार्टेड, लेट एवरीबडी, एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री, irrespective of his stature and you know, personality, let's all get together and work for the benefit of environment. बहुत शुक्रिया सर. एक ऐसी चर्चा जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि वो भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत जिसे प्रकृति का पुत्र कहा जाता था, उसी भारत को यदि फिर से पाना हो, उसी गंगा को, उसी यमुना को यदि फिर से देखना हो, उसकी निश्चल धारा को, तो आखिर क्या करना होगा. और ये बातें हमने उनसे समझी है जिसने सबसे ज़्यादा इस विषय पर काम किया. हालांकि बहुत सारे प्रायोगिक दिक्कतें हैं, लेकिन उन सभी दिक्कतों को दरकिनार करके ये ज़रूरी है, जैसा कि जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा, कि हम सब एक आएं, एक साथ आएं और प्रकृति की आज़ादी की बात करें, तो अपने आप चीज़ें बहुत सुधर सकती हैं.
आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और एक ऐसे ही किसी अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।